पहले ठोले खराब होना या चावल चीनी सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, कब से बुला रहा हूँ आपको? विप्लव की इतनी सी बात सुनते शायद उस आदमी को अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो उन तीनों की ओर पलट कर घूमा और उसे देखते ही विप्लव, अनुज और केतन घबराहट के मारे वो सारा सामान जो अंदर था उसे भूलकर बाहर भागे। तीनों बिना एक भी बार पीछे मुड़े ऐसे बाहर भागे जैसे उनके पीछे उनसे दुगनी रफ्तार से मौत आई। भागते भागते बाहर जैसे ही पहुंचे तो तीनों ने सबसे जरूरी जो सामान सामने पाया सब उठा।